आज अंकल जी मेरे से कुछ उम्मीदों से आए थे, तो इनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। कैसा लग रहा है अंकल? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। एक सेकंड में तुरंत आपका काम हो गया? बिल्कुल, लोग का भी मदद कितनी है। टाइम खराब तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्या बात। अंकल जी को 10 किलो आटा दो पहले। तो फर्स्ट फ्लोर से काम गिरे गिरे कहीं से उत्ते चढ़िया जी, मैं टेप उतारन जिवें स्टेशनरी दुकान होती है, टेप उतारन जो फेस होता है, फेस होता करो भी जी नहीं, सीढ़ी सी वो फिसल गई, सीढ़ी सीढ़ी फिसली तो मैं बेहोश हो गया। तो दुकानदार ने मदद की? दुकानदार ने पहले तो मदद की, वो तो पता अजकल दुकानदार असी सीधे आदमी सी, नौकरी पे नहीं रखा उसने आपको? उन्हें हूँ मना करता, मना इस करके करता कहता हूँ ठीक हो गए तो आना, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। हूं मैं हो गया बिल्कुल अपाही, ना मेरे घर का राशन है ना कुछ, जो उन्हें दिता चलता रहा, मेरे घर का किराया भी दिता मैं, जो भी चला। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ? तो मेरा फेसबुक पे मेरे दोस्त वगैरह देख देने ने। अच्छा, तो ये जगह देखी आपने? यह जगह उन्होंने मैंने दसी थी कि सेक्टर 10 चले जाना। अच्छा। एक मेरा दोस्त है वो मेरे कोरियर से काम कर रहा था, तो उसे राजापुरी रहता, तो उन्होंने द्वारा दसिया। एक मेरे दोस्त है सरदार है जी, मैं परसों आया थी पता करन मेरे घर, उन्हें ही मैंने कहा कि मैं बड़ा नाम सुने एक बार तो जनकपुरी तुहाडा दस्या सी। अच्छा। तो मैं जनकपुरी नहीं, द्वारका सैक्टर 10 च मैं भी नाम सुनया। अच्छा। मैं गया भी सी लेकिन वो मिले नहीं सी, उहदी कुड़ी नूं मैं नंबर दे के गया सी। 12:30 असीं आ गए सी दोनों, मेरी धी ते 12:30 बैठे सी, 3 बजे गए आ 3:10 ते। रस्ता किसने बताया आपको? रस्ता ते सानूं असीं पुछदे पुछदे आ गए सी उस दिन, रस्ते ते वो जिहड़ा मेरा दोस्त कोड़ीए ते कम करदा सी ना मेरे नाल, वो राजापुरी रहता, तो उन्हें मैंने दसिया कि आपका नाम, तो फिर वो मेरा दोस्त एक सरदार है तो उन्होंने भी दसिया, तो गुरुद्वारे भी पता लगा मैंने। आपको क्या चाहिए मेरे से? मैंने यह चाहिए कि मेरा थोड़ा राशन भूशन की मदद हो जाए। राशन क्या क्या चाहिए आपको? जो घर का थोड़ा बहुत राशन होता है, 10 किलो आटा दिलवा दो, जो भी हो गए 10 किलो आटा दिलवा देता हूँ, 5 किलो चावल, हाँ चीनी चाह पत्ती होंगी है, चीनी चाह पत्ती और हो गया। घर अपना रेंट का? रेंट किराए से रहना मैं। अच्छा ठीक आ गया छोटे तरह, लेकिन मेरा है कि मैं चुक के नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं, कैसे लेके जाना है जी? मैं चुक नहीं सकता बिल्कुल, मैं समझ लो चम्मच आता ना मैं खा करना चुको मत, मैं आपके लिए रिक्शा भी करवा देता हूँ। हाँ जी, राशन भी डलवा देता हूँ, घर भी रखवा देता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप एक काम कर लो। अंकल जी को थोड़ी दिक्कत है, तो आज अंकल जी मेरे से कुछ उम्मीदों से आए थे, तो इनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। कैसा लग रहा है अंकल? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। एक सेकंड में तुरंत आपका काम हो गया? बिल्कुल, लोग का भी मदद कितनी है। टाइम खराब तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्या बात। अंकल जी को 10 किलो आटा दो पहले। तो एक सेल्फी लेनी है। आजा बाबू आजा। लोग का इतनी मदद कर रहे हैं, फिल्मी दुआ लग रही है। अभी आपके सामने एक दीदी आई थी, रो रही थी, कितना बहुत रो रही है बहुत, तो उनके आंसू तुरंत पहुँच दिए मैंने। बड़ी उम्मीद से लोग मेरे पास आते हैं। बहुत हौसला दिता दाल के पैकेट दे दो 3-4 नीचे। और बड़ी में इसके अलावा बताओ? ये हो गया मसाला, हो गया मसाला। कौन सा चाहिए? जेड़े हल्दी लाल मिर्च। हल्दी लाल मिर्च दे दो जी। ये अंकल जी आपका देख लो, आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, और आपके मसाले आ रहे हैं बस। हाँ जी ठीक है, बहुत है। तेल हो गया, एक तेल दे दो जी। चाय पत्ती दे दो। चाय पत्ती दे दो जी। ठीक है जी, बहुत है जी। इसके अलावा कुछ सोच लो। और तो ये साबुन हो गया, साबुन दे दो जी। साबुन पेस्ट, एक पेस्ट दे दो, पेस्ट।
भगवान ने जितना दे रखा उतना करता हूँ मैं। बड़ी बस मैं कभी कभी ना रात को दुख से सोता हूँ, बताऊँ क्यों? आज मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ अपनी लाइफ के बारे में। आते 100 लोग हैं मदद के लिए, मदद कर पाता हूँ 20 लोगों की, क्योंकि तो जितना मेरे को भगवान ने दरिया दे रखा है, जितना एक आंकड़ा दे रखा है। नहीं जी, जितना जे अगर तू इन्ना भी कर दे आज के टाइम एक बंदे की मदद करना बड़ा मुश्किल है। आज अपने ही नहीं करते, अपने तो छड़ देंगे नहीं, जिते तुम इन्ना किता बहुत है। लव यू अंकल जी, आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद बना के रखो। घर में कौन है और आपकी? मेरी बेटी। कितने साल की है? बेटी 9 साल की। 9 साल की बेटी, 10वां लगना। अच्छा, हम लगा 17 बेटी लगा। बेटी के लिए मेरे मेरी तरफ से लेके जाओ एक, ये लेके जाओ एक, बेटी को ये देना, बोलना भैया ने दिया। ठीक है और बेटी को एक ये देना, रुक जाओ। लो जी, तीनों चीज आती बेटी को देना। बोला तहलका भैया मिले थे, प्यार दिया। बहुत दिन से आई थी मिलन, बड़ा नाम से। मैं एक्चुअली अभी ना बाहर भी जा रहा हूँ, कुछ लोगों को जरूरत है, विकलांग विकलांग भाइयों को व्हील चेयर की जरूरत है, उनको व्हील चेयर देने जा रहा हूँ। हाँ जी, सुनिया सी मैं कि तुसी गड्डियां वंडियां ने, साइकिलां वंडियां, उस दिन वो मोची ने साइकिल दी थी तुसी। मैं कहता रहा अंकल जी, अब जैसे डिमांड आई है 40 लोगों की और की साइकिल चाहिए, तो 20 को ही दे पा रहा हूँ मैं भी। मैं बजट देख के चलता हूँ, क्योंकि महीने का मेरा फेसबुक यूट्यूब से जितना आता है मैं उसका जितना हिस्सा होता है 40% 50% डोनेट कर देता हूँ मैं। बहुत मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज जोड़ के विनती है, जो विकलांग भाई है उनके लिए जान हाजिर है। अभी कुछ लोग आए थे सही सलामत, स्कूटी मांग रहे थे, रिक्वेस्ट है उन लोगों के पास ये चीज़ जाए जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो जी ने एक मुंडा जिन्हें आपने स्कूटी बंडी और लहके भी आया थी, कोरियर कंपनी से काम लगा, बहुत मेहनत कर रहा है वो। दीदी ने मैंने दिखाई थी। क्या पैसे हो गए? मैंने हौसला होर बदया थी। अच्छा, करन गया फिर उन्होंने दीदी ने भी क्या कहना, नहीं भैया अंकल आपकी करेंगे सारे काम होते जी, बस भगवान से प्रार्थना करो इस लायक हो जाऊँ। कि 500 लोग आए ना तो 500 की तुरंत मदद कर दूँ मैं। नहीं, नहीं, इस कदर भगवान प्यार दे दे मेरे को। आप देंदा ही ब्याह जी तुम उन्हें एक किन्ने 2-3 बंदे थे उन्हें मेरे सामने रोंदे पे। क्या पैसे हो गए भैया? अंकल को बिठा के आओ गाड़ी में। ठीक, चलो अंकल। हाँ डिक्की में रख दो। बटन दबा दो भैया, बटन हाँ। नवादा से आगे। नवादा से आगे है? हाँ, दाल मिल रोड। बताओ छोड़ कितने? 300। 200 आपके? ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।